सो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग या वीडियो, कुछ भी कह लो, लेकिन आज का वीडियो को तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि भाई मुझे पड़ रही है गाली। अब वो गाली क्यों पड़ रही है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और दूसरे को बातों को सुन के बस उस पर रिएक्ट करते हैं और गालियाँ बकने लगते हैं। भाई आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि UK 07 राइडर को एक्सपोज किया था, वो गाड़ियां कहां से लाते हैं, उन सारे चीज़ों के बारे में बात किया था। लेकिन उस वीडियो पर भाई कोई अपना दिमाग तो यूज किया नहीं और बिना दिमाग यूज किए हुए कमेंट में जाके गालियां बक रहे हैं। भाई गालियां भी इसलिए बक रहे हैं क्योंकि मैंने UK 07 के बारे में वीडियो बना दिया। तो भाई ये चीज़ कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, उन सारी बातों को मैं इस वीडियो में क्लैरिफिकेशन करने वाला हूँ कि मैंने वो वीडियो क्यों बनाया और कहाँ से रिफरेंस लिया था और क्या था उस वीडियो की सच्चाई, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले गाइज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने भीड़ पे बताया था कि UK 07 अपने मीटअप में पैसे दे के भीड़ लाते हैं, तो वो बातें मैंने जो रिफरेंस लिया था, एक राइडर है MP04, मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि MP04 एक राइडर है, उन्होंने ऐसा बोला था, फिर मैं अपने वीडियो में उसको मेंशन किया था गाइज कि हाँ UK 07 के बारे में MP04 ने ऐसा बोला, तो मैं उसी का रेफरेंस लिया था। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई कमेंट में आके माँ बहन की गालियाँ बकरे, भाई मुझे भी बुरा लगता है, माँ बहन की गालियाँ मत दो, और गालियाँ दे रहे हो तो इससे तो ये बात तो साबित हो गया कि UK 07 का जो फैन है वो बिल्कुल मूर्ख फैन है, थोड़ा सा भी उनके पास दिमाग नहीं है, या तो वो बिल्कुल बच्चा है या तो वो बिल्कुल मूर्ख है। सेकंड में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई नशे में वीडियो बना रहे हो, गाजे फूक के वीडियो बना रहे हो, तो उन भाई को मैं बता देना चाहता हूं कि भाई UK 07 के बारे में एक बात, आज से कुछ दिन पहले वो बिहार आए थे और बिहार में मीटअप रखे थे, और बिहार में जब वो मीटअप रखे थे तो जिस होटल में रहे थे, जहाँ पे रहे थे, बिहार में आके बिहार को बदनाम करके वो चले गए, बिहार के बारे में उल्टा सीधा वो बोल के चले गए। भाई बिहार आने का तो अब तो तुम्हारा कभी मुंह बचा ही नहीं, बिहार में अब तुम भाई मीटअप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने जहाँ पे आया, जिस थाली में खाया, जिसके साये में रहा, उन्हीं सब लोगों को तुमने गालियां दिलवा के चला गया। भाई ये है UK 07 की सच्चाई, भाई वो जो थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जहां पे रहते हैं बाद में चल के उसी के पिछवाड़े पे लात मार देते हैं। तो पूरी कहानी मैं बताता हूं, आज से कुछ दिन पहले वो बिहार आए थे मीटअप करने, और बिहार का जो मीटअप का जो ऑर्गेनाइजर कर रहे थे वो थे जी अभिषेक जी, जो कि एक बिहार के अच्छे खासे यूट्यूबर हैं। उन्होंने बताया कि यूके भाई होटल रूम में बैठे थे और बाहर भीड़ बेकाबू हो रहा था, लेकिन वो क्या बोल रहे थे, थोड़ा और हाइप क्रिएट होने देते हैं, थोड़ा और हाइप क्रिएट होने देते हैं, और ऐसे में क्या हुआ कि पूरा भीड़ एग्रेसिव हो गया और यूके भाई का गाड़ी या फिर बाइक कुछ भी डैमेज तो नहीं हुआ, लेकिन वो क्या बोले कि डैमेज हो गया। भाई भीड़ जब बेकाबू होगा तो डैमेज तो होगा ही, तो वही डैमेज हुआ था। तो वो बोल रहे थे कि बिहार के लोग गंदे हैं, डैमेज हो गया। तो जी अभिषेक जी ने एक बात का खुलासा किया कि वो रूम में बैठ के फूंक रहे थे। तो अब भाई बताओ कि नशा कौन करता है, कौन नशे में वीडियो बनाता है और कौन नशे में मीटअप को बेकाबू करवाता है। और तुम लोग जो भाई मेरे कमेंट में आके गालियां बक रहे हो, भाई थोड़ा दिमाग लगा लो, मैंने सबका रेफरेंस दिया है, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं बोला है, अगर फिर भी तुम लोगों को बुरा लगता है तो उसके लिए दिल से सॉरी।